गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है। इसी संबंध में शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र प्रदान करने के लिए डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया गया, जिस संबंध में सोसाइटी द्वारा पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल और एक्साइज विभाग जालंधर जोन के डिप्टी कमिश्नर परमजीत सिंह से मुलाकात कर उन्हें इस विवाह समागम में विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, महासचिव मक्खन सिंह, कैशियर सतीश मल्होत्रा ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 से ज्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नवविवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह से पहले 6 सितंबर को मेहंदी की रस्म, 7 सितंबर को जागो निकाली जाएगी, 8 सितंबर को गुग्गा पीर का मेला और 9 सितंबर को शादी समारोह होगा। इस मौके पर उप प्रधान सुशील मदान, उप चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी, सुरेंद्र कपूर, वरिंदर कपूर, नितिन भंडारी, मुकुल मध्यानी, प्राण मल्होत्रा, नवीन सेठ, दिलीप कुमार, संजीव, खुशबू, चंद्रमोहन, सोनू, हरमेल सिंह, राचन कुमार, कुणाल, वरिंदरजीत सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी जालंधर दे सारे ऑफिस वेयरर ते जिन्ने भी इहदे एक्टिव मैंबर ने किस वेलफेयर सोसाइटी दे उन्हां सारिआं नूं अपने वल्लों शुभ हार्दिक कामनावां दिंदा, जिहड़े कि निष्काम हर साल निरंतर समाज भलाई दे कम्मां च लगे रहिंदे आ ते उन्हां विच्चों सभ नालों वड्डा जिहड़ा समाज भलाई दा कम्म आ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ।